सरकार की नीतियों के खिलाफ बहरोड में जनता सेना की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुंड रोड से कचहरी तक रैली को शुरू होते ही पुलिस ने रोक दिया। यह प्रदर्शन जनता सेना प्रमुख बलजीत यादव के नेतृत्व में किया गया। एसडीएम सुरेश यादव कुंड रोड पर ही ज्ञापन लेने पहुंच गए। इस मौके पर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। रैली में हजारों युवाओं की संख्या को देखते हुए पुलिस ने खासे बंदोबस्त कर शांति व्यवस्था कायम रखी। इस दौरान 5 थानों की पुलिस, कोबरा टीम और पुलिस लाइन जाप्ता तैनात रहा। उन्होंने बढ़ी हुई बिजली दरों को कम करने, किसानों का कर्जा माफ करने और सरकारी कार्यालयों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार का विरोध किया। साथ ही बहरोड या नीमराणा को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हमारी सबसे पहली तो मांग है कि बहरोड का डीएसपी है जो परमार, वो इतना जोर चक्का है, इतनी लूट मचा रखी है, मिलावटी दूध की फैक्ट्रियां चलवा रहा है, केमिकल की फैक्ट्रियां मिलावटी चलवा रहा है, खनन व्यापार चला रहा है और यहाँ वैश्यावृत्ति का जो धंधा है वो पनपूल फल फूल रहा है इनके संरक्षण में। और हमारी मांगे थी बहरोड नीमराणा को जिला बनाओ, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करो, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दो नीमराणा की कंपनियों में, और जो बिजली विभाग द्वारा बड़ा बड़ा के किसानों के बिजली के बिल भेज दिए, सरकार विशेष जो सरकार ने भर्ती बड़ी उन सबको सरकार निरस्त करे।